सतना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कई माह से जिल्लत और ब्लैकमेलिंग झेल रही एक महिला ने पुलिस की मदद से लगाई गुहार और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लैकमेलरों को धर दबोचा। दरअसल इस महिला ने फेसबुक में एक युवक से दोस्ती की और दोस्त ने ऐसी साजिश रची कि महिला का सब कुछ लूट गया। पहले फेसबुक के दोस्त ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर अश्लील वीडियो बनाकर न केवल शारीरिक शोषण खुद किया बल्कि उसके साथ दोस्तों ने भी दुराचार किया। हद तो तब हो गई जब महिला से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब अब तक 4 लाख की नकद वसूली की गई। सतना शहर के नजीराबाद में एक शादीशुदा महिला को फेसबुक में दोस्ती करना बेहद महंगा पड़ा। महिला ने फेसबुक में सैयद साहन शाह से दोस्ती की और फिर कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। सैयद साहन शाह ने महिला को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और नशीली दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि कुछ दिन बाद साहन शाह ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और रुपए ऐंठने लगा। इतना ही नहीं, सैयद साहन शाह का मित्र जुनैद खान भी सामने आया और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर दुराचार किया और पैसे भी वसूले। अब तीसरा व्यक्ति अरमान भी लगातार फोन कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहा है। पीड़िता के मुताबिक अब तक तीनों आरोपियों ने 4 लाख वसूल कर चुके हैं। ये पैसे महिला ने घर से ननद के जेवर तक चोरी कर गिरवी रख दिए। लगातार दुराचार और यौन शोषण से परेशान महिला ने परिजनों से हिम्मत कर बात बताई और परिजनों के साथ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर दो आरोपी सैयद सहसा और जुनैद खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अरमान फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल में अश्लील वीडियो भी मिले, जिसे जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को आज मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। हेलो, आगे जाओ चेतन। इसमें क्या था, एक महिला जो है नज़ीराबाद से आई थी और उसकी रिपोर्ट पर उसका कहना यह था कि सैयद सहनशाह नामक जो व्यक्ति था उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया। फिर इसी के मित्र करमान ने भी उसको ब्लैकमेल किया और उसके साथ संबंध बनाए, जबकि तीसरा जो आरोपी है जुनैद खान, उसने संबंध नहीं बनाए थे पर वो वीडियो पति को दे देने के एवज में उससे पैसे मांग रहा था। जब सैयद सहनशाह जो इसका पहला जिसके साथ इसका संपर्क हुआ था उसने इससे 3 लाख रुपए भी लिए, ऐसी बात सामने आई। इसके बाद जो है इसमें अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों की तलाश की गई तो इसमें से 2 आरोपी सैयद सहनशाह और जुनैद खान पुलिस के हिरासत में हैं, जबकि अरमान अभी फरार है।